नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल और हमारे खास प्रोग्राम मेरा गांव मेरे देश में आपका स्वागत है। अलीगढ़ के लोधा ब्लॉक के ग्राम पंचायत नहरा में कई साल बीत जाने के बावजूद भी आज तक कहीं किसी तरह का विकास नहीं हुआ है। ग्रामीण ने बताया है कि गाँव के विकास के लिए जो भी पैसा आता है प्रधान की जेब में जाता है और रात में जब घर से निकलते हैं तो अंधेरा ही रहता है और कहीं भी लाइट नहीं लगी हुई है और किसी भी समस्या को लेकर प्रधान के पास जाते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होती और ग्राम पंचायत सचिवालय बने हुए काफी समय हो गया है जो अब खंडर में तब्दील हो गया है। आज तक प्रधान कभी उससे बैठते नहीं सुनता है समस्या और इसके साथ ही वहीं स्थानीय निवासी देवीलाल ने जानकारी देते हुए बताया है कि उनके गांव के प्रधान ने गांव में आज तक किसी तरह का कोई काम नहीं कराया और ना ही कहीं सड़क बनवाई गई है और जब गांव में किसी काम को नहीं देखा जाता और कोई पैसा आता भी है तो वो गाँव में विकास के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाता तो प्रधान काम कराने की जगह पैसा खा जाता है और आज तक कभी कोई शिकायत करो तो कोई सुनवाई नहीं होती और ना यहाँ सरकारी नल है और ना सड़कों पर लाइट लगाई गई है। कोई भी यहाँ पर सफाई कर्मी नहीं आता, सड़कों पर कीचड़ पानी भरा रहता है और बिल्कुल भी सफाई नजर नहीं आती है। वहीं स्थानीय निवासी संजीव शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया है कि ये नहरा गांव है और यहाँ के प्रधान ने यहाँ कोई कार्य नहीं कराया, ना ही लट्ठों पर लाइट लगाई है और इसके साथ ही ना ही सफाई होती है, कोई सुविधा नहीं होती, कोई हैंडपंप जो है वो चालू नहीं है, पानी की बहुत समस्या है और सड़क तो बिल्कुल भी नहीं है, कोई सेवा नहीं है और कोई अधिकारी नहीं आता। पंचायत घर बने हुए कई साल हो गए हैं, प्रधान वहाँ नहीं बैठता, कोई सुनवाई नहीं होती, जबकि हम गांव के ही कैंडिडेट हैं और हमें भी सूचना जो है इसके बारे में नहीं होती है कि कब वहाँ पर कोई आता है या नहीं आता है। और इसी बात पर स्थानीय निवासी क्या कुछ कह रहे हैं वो हम आपको पहले सुनवाते हैं। कोई सफाई कर्मचारी आता नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा है, लाइटें आप देख सकते हो दिखा सकते हो, कोई लाइट नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई हेडपंप चालू नहीं है, पानी की भी दिक्कत है, पानी की भी दिक्कत है। सड़क तो आपको भी दिखा सकते हैं, हम कोई अधिकारी है उसे फोटो भी भेज सकते हैं। अच्छा, ये बताइए गांव के प्रधान ने यहाँ कोई विकास नहीं कराया, सड़क बिल्कुल बनी नहीं है ना करवाया और ये पंचायत घर बना हुआ है यहाँ तालाब के बराबर में, बिल्कुल यहाँ कोई बैठता है नहीं बैठता? हाँ तो कोई बैठ नहीं बना है। तो प्रधान से, प्रधान कभी शिकायतें सुनते हैं नहीं सुनते आपकी? हम तो करी ना जी। नहरा गांव में विकास कहीं पर नजर नहीं आ रहा है और साफ तौर पर जो ग्रामीण है वो लगातार परेशान नजर आ रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से सड़कें जो हैं वो गड्ढे में तब्दील हो गई हैं और इसके साथ ही यहाँ पर साफ सफाई बिल्कुल नहीं देखी जा रही जिसके कारण बीमारियाँ भी फैलने लगी है, वहीं ग्रामीण के कई लोग भी बीमार हो रहे हैं। तो आपको नहरा गाँव की दास्तां बता रहे हैं हम। तो आपको बता दें नहरा गांव में सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं जिससे ग्रामीण परेशान हैं और इसी खबर पर हमारे साथ अलीगढ़ से संवाददाता आकाश कुमार जुड़ चुके हैं। आकाश, जिस तरह से हम यहां पर देख रहे हैं ग्रामीण काफी परेशान है और नहरा गांव में सड़कें जो है वो गड्ढे में तब्दील होती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है, इससे कई सड़क हादसे भी हो सकते हैं? बिल्कुल, मैं सीधे तौर से साफ आपको बता दूं कि ये अलीगढ़ के जो लोधा ब्लॉक है, लोधा ब्लॉक के जो नहरा गांव का ये पूरा मामला है जिस पर जो स्थानीय ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए बताया कि लगभग 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं और उससे ज़्यादा भी होने को हैं, लेकिन आज तक के रिकॉर्ड में अब तक जो है ग्राम प्रधान के द्वारा गाँव में ना तो सड़कें बनवाई गई हैं, ना ही सड़कों पर स्ट्रीट लाइट लगवाई गई हैं। रात को जब महिलाएँ या बच्चे घर से निकलते हैं तो पूरी इधर उधर अंधेरा ही दिखाई अंधेरा ही अंधेरा रहता है, जिस पर उन्होंने काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और तो उन्होंने जानकारी देते हुए साफ तौर से यही बताया है कि ना कोई सफाई कर्मचारी यहाँ पर नहीं आता है, जिसके लिए सीधे तौर से आप तस्वीरें देख सकते हैं कि गांव में कितना गंदगी का अंबार जो है भरा रहता है, सड़कों पर पानी रहता है, ना तो सड़कें बनाई गई है, ना ही नाली बनाई गई है। और तो और मैं आपको साफ तौर से ये बता दूँ कि स्थानीय निवासियों का कहना ये भी है कि जो पंचायत भवन यहाँ पर बनाया गया है, पंचायत भवन में हालांकि प्रधान को बैठना चाहिए और जो सचिव जहाँ पर बैठना चाहिए और जो स्थानीय नागरिकों की जो समस्याएं होती हैं वो पंचायत घर में सुनी जाती हैं, जब से लेकर अब तक जो पंचायत घर बन करके बन भी गया और बनने के बाद जो है खंडर भी होता जा रहा है,
फर्श से लेकर दीवारों तक में दरारें पड़ चुकी हैं और आसपास में जो है पंचायत घर के बराबर में जो है पानी भरा चुका है। आसपास में पंचायत घर तालाब में तब्दील होता जा रहा है। आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई, किसी की समस्या का समाधान नहीं किया गया है, ना आज तक प्रधान वहाँ पर बैठे हैं, ना ही कोई अधिकारी जो है निरीक्षण के लिए पहुँचे हैं। जी आकाश, जिस तरह से बताया जा रहा है कि नेहरा गांव में जो सड़क सुविधाएं नहीं है, और इसके साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि प्रधान जो है गांव में आज तक किसी विकास कार्य को आज तक कर ही नहीं पाए हैं। बिल्कुल, उन्होंने सीधे तौर से ये आरोप लगाया है कि प्रधान के ऊपर कि जो विकास कार्य के लिए, हालांकि सड़क निर्माण कार्य हो या बिजली पानी किसी चीज़ की समस्या हो, उसके लिए जो भी निधि सरकार द्वारा आती है प्रधान की सीधी जेब में जाती है। आज तक कोई विकास कार्य जमीनी स्तर पर नहीं कराया गया है। हालांकि प्रधान या किसी ठेकेदार से इस संबंध में अगर जानकारी करना चाहा भी तो उन्होंने सीधे तौर से ये बताया है कि इसमें जो है जो भी पैसा आया था उस विकास कार्य के लिए वो विकास यहाँ पर कराया गया है, सारी फाइलें जमा कर दी गई हैं। हालांकि जो विकास है उस गांव नेहरा गांव का जो विकास है वो केवल कागजों में सिमट कर रह गया है, जमीनी स्तर पर कोई कार्य नहीं किया गया, जिसके विषय में स्थानीय निवासियों ने कई बार ब्लॉक के जो अधिकारी हैं, सक्षम अधिकारी, उनसे भी इस संबंध में वार्तालाप करनी चाहिए, लेकिन क्या अधिकारी जो है इग्नोर करते रहे। आज तक किसी तरीके का वहाँ पर विकास नहीं किया गया। हालांकि ये अलीगढ़ के जो पहला ऐसा विकास खंड नहीं है जिसकी जो नेहरा गांव में जो विकास नहीं किया गया है, और भी इस तरीके के कई ऐसे गांव हैं जिनमें विकास जो है कोसों दूर है। जी आकाश, जिस तरह से बताया जा रहा है कि जो पंचायत सचिवालय उसके भी हालात कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है। बिल्कुल, जिस तरीके से मैं आपको बता दूं कि बीते 2 वर्ष में जो पंचायत भवन यहाँ पर बनाया गया है, स्थानीय निवासियों की जो जन समस्याएं होती हैं, हालांकि वो पानी की हो, बिजली की हो, शासन की हो, किसी भी चीज़ की समस्या के लिए प्रधान को वहाँ पर घंटे या 2 घंटे का समय निकालकर जो स्थानीय नागरिक हैं जिन्होंने उनको प्रधान बनाया है उनकी समस्या को सुनना चाहिए और उनका निस्तारण भी करना चाहिए, जिस पर उन्होंने सीधे तौर से ये बताया है कि जब से ये पंचायत भवन यहाँ पर बना है ना तो आज तक प्रधान यहाँ बैठे और ना ही उनका जो सचिव होता है उन्होंने हमारी आज तक कोई समस्या सुनी है। और जो यहाँ पर कई बार उसके प्रधान के घर भी जाना चाहा तो लेकिन प्रधान वहाँ पर कभी मिलते नहीं है, कभी किसी चीज़ का बहाना बना करके बाहर से ही मना कर दिए जाते हैं कि प्रधान जी है नहीं है। तो ऐसे में खास करके जो स्थानीय नागरिकों के मुद्दे उठ रहे हैं, वही गांव के विकास की अगर बात करें तो वहां पर पैसा आता है लेकिन वो जो प्रधान की जेब में पैसा जा रहा है, ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है, ऐसे साफ तौर पर ग्रामीण कह रहे हैं। बिल्कुल, ग्रामीणों का साफ तौर से सीधा यही आरोप है कि लगातार जो गांव के विकास के लिए जो पैसा यहां पर सरकार के द्वारा आ रहा है, हालांकि इसी गांव में नहीं आ रहा, जगह जगह पर जो पैसा जी आ रहा आकाश, है। जी आकाश, हमारे साथ अभी नेहरा ग्राम प्रधान से अफसर खान जुड़ चुके हैं। अफसर खान, जिस तरह से जो नेहरा गांव है यहाँ पर समस्याएं काफी ज्यादा देखने को मिल रही है और इसके साथ ही बताया जा रहा है ग्रामीणों का साफ तौर पर आरोप है कि गाँव के विकास के लिए जो भी पैसा आता है वो प्रधान की जेब में जाता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, मेरे गांव में विकास कराया है, पंचायत घर भी मैंने चौक के कराया है, स्कूल में भी पैसा लगाया है और गांव में मैंने इंटरलॉकिंग भी कराई है। ऐसा है, कुछ जगह ऐसी है कि जहां पे थोड़ा बहुत जल भराव है, वहां पर पैसा है नहीं, इतना बजट है नहीं। अब कुछ समस्या को लेकर उसमें गाँव में जो तालाब है उसके जाने के लिए उसके नाले की जरूरत है जी, उसमें नाला बन जाएगा तो पानी निकल जाएगा जी। तस्वीरों में हम देख रहे हैं अफसर खान जी, तस्वीरों में हम देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ी मोड़ी बात नहीं है, पूरी सड़कें जो है वो गंदगी का अंबार बनी हुई है, हर जगह खड्डे दिखाई दे रहे हैं, इससे कोई बड़ा हादसा हो सकता है। अगर आपके गांव की बात कर ले तो वहाँ पे कई लोग बीमार भी हो रहे होंगे इस गंदगी के कारण। नहीं, ऐसा कुछ नहीं मैडम, कोई भी बीमार नहीं, सब बढ़िया है। अरे प्रधान जी, आपके गांव के लोग कह रहे हैं ना कि लोग बीमार हो रहे हैं, विकास नहीं हो रहा है, जो पैसा आ रहा है प्रधान के जेब में जा रहा है, तो पैसा जा कहाँ रहा है? मैंने विकास किया है, जहाँ विकास किया है वहाँ कहाँ गए? कहाँ विकास किया है आप खुद बता दीजिए, आपने विकास कहाँ किया? हमारी तस्वीरों में तो साफ नजर नहीं आ रहा कि आपका विकास हुआ है। विकास हुआ है, विकास क्यों नहीं हुआ है? प्रधान जी, हमारे संवाददाता वही मौजूद है और उनसे ही जान लेते हैं कितना विकास हुआ है। आकाश जी, जरा बताइए प्रधान जी को। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि प्रधान जी, मैं आपको अवगत कराते हुए बताता चलूँ कि जो स्थानीय नागरिक हैं उन्होंने साफ तौर से ये बताया है कि जो आपने पंचायत घर बनाया है, जब से लेकर अब तक ना तो आप पंचायत घर में किसी की समस्याएं सुनी, और बनने के बाद पंचायत घर जो है खंडर होता जा रहा है, जमीन फर्श से लेकर दीवारों में दरारें पड़ चुकी हैं, आसपास में पानी का अंबार भरा हुआ है,
गांव की जो मेन सड़क है गांव के घुसने के लिए, वहां पर जो है देखिए आप 700 से तस्वीरों में देख ही सकते हो कि वहां पर कितना पानी भरा हुआ है, लोगों को निकलने में आने जाने में कितनी समस्या का समस्या पर का जो है वो करना पड़ता है, और कई बार जो हादसे भी हो चुके हैं कि कोई बाइक है जो वहां से निकल के जाती है। प्रधान जी सुन लीजिए, पहले अपने विकास के बारे में सुन लीजिए, जो आप बता रहे हैं ना नेहरा गाँव में विकास हुआ है, तो उसके बारे में भी सुन लीजिए कितना विकास हुआ है। आवाज के लिए रास्ता जाती है वहाँ पर, कई बार जो बाइकें निकलती हैं उन बाइकों कई बार दुर्घटना भी हो चुकी है कि बाइकें लेकर के कई लोग गिर भी चुके हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं जमीनी स्तर पर मैं खुद मौजूद वहाँ पर जी आकाश आप हमारे साथ बने रहिए। प्रधान जी जैसे समस्या साफ तौर पर जमीनी स्तर पर बात कर रहे हैं, हम अनदेखी बात नहीं कर रहे हैं, हमारा रिपोर्टर वहाँ पर मौजूद है, हम समस्या दिखा रहे हैं, तस्वीरें हमारे पास है, कितना विकास हुआ है वो सबके सामने आ रहा है। अफसर खान जी आपसे ही सवाल है जी, जितने विकास हुआ है तस्वीरों के जरिए सामने आ रहा है कि गांव में कितना विकास हुआ है, क्या कहेंगे इस पर आप? गांव में तो मैंने विकास कराया है, जहां कितना भी पैसा आ रहा है गांव में लगाया है। तस्वीरों में विकास नजर नहीं आ रहा है सर? जहां विकास हुआ है वहां कोई तस्वीर नहीं ली है ना इन्होंने, कहाँ की पूरे गांव आपके ग्रामीण लोग कह रहे हैं ना कि विकास नहीं हुआ है, वहां पर गंदगी फैली हुई है, खड्डे दिखाई दे रहे हैं, और ऐसा क्या काम किया है आप गांव में जरा हमें भी बता दीजिए। इंटरलॉकिंग कराई है मैंने, इंटरलॉकिंग मैडम। कौन कौन से विकास किए प्रधान जी जरा बताइए तो सही। मैंने गया सेठ जी के घर से लेकर और राम प्रकाश मोदी के घर तक वहां का इंटरलॉकिंग कराया, उसके अंदर 5 गली है उनको भी कराया है मैंने, और मैंने स्कूल पे भी कराया है अपने से इंटरलॉकिंग कर रहे हैं, और टाइल्स भी लगवाई है, उसकी पानी फिटिंग भी कराई है, और उसमें समर भी कराई है जी। गांव के बगल में ही कूड़े का ढेर नजर आ रहा है, बगल में भी नहीं एकदम पास में ही गांव के कूड़े का ढेर है, बच्चे बीमार हो रहे हैं। ऐसा है कि वो जो किसी व्यक्ति की जमीन खाली है उसमें ये आस पड़ोस वाले डाल देते हैं, वहाँ कूड़ा निजी प्रॉपर्टी है मेरी, वहाँ पंचायत की जगह नहीं है। प्रधान जी ऐसी खबरें भी सामने आ रही है, रात के समय में महिलाएं डर रही है गांव से बाहर निकलने में, वहाँ पे लाइटें नहीं है। ये लाइटों के लिए मैंने सचिव साहब से बोल दिया है, अभी मेरी हमारे यहाँ सचिव साहब का ट्रांसफर हो गया था, वो दूसरे आए हैं अभी, उन्होंने चार्ज संभाला है। ये तो आप बहानेबाजी दे रहे हैं ना प्रधान जी, आप बहानेबाजी दे रहे हैं ना, अभी तक काम नहीं हुआ है, अभी तक तो कोई काम नहीं हुआ, इससे पहले कोई हादसे का इंतजार कर रहे हैं आप, अगर कोई हादसा हो जाएगा उसके बाद आप लाइटें लगवाएंगे? नहीं बहानेबाजी नहीं ले रहा हूँ, मैंने सचिव साहब से तुरंत ही बोल दिया, जब उन्होंने चार संभाला है ना सचिव साहब, 25 लाइट मुझे चाहिए जो मेन चौराहे पे मुझे लगानी है, तो उन्होंने बोल दिया कि 1-2 दिन में आपको लाइट मिल जाएंगी। ठीक है लाइटों की आप समस्या बता चुके हैं, ग्राम पंचायत के सचिवालय की बात कर लेते हैं, वो तो खंडर में तब्दील हो रखा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा है जो वो पुराने प्रधान जी ने बनवाया था। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, क्या कह रहे हैं आप? जो पुराने प्रधान जी थे हरीश उपाध्याय, उन्होंने बनवाया था वो वहाँ पर, और वहाँ पे कोई बैठता भी तो नहीं है, कोई समस्या सुनता ही नहीं है, ग्रामीणों की समस्या क्या है आपने कभी जानना चाहा? ग्रामीण क्या कहना चाहते हैं, उनकी समस्या क्या है? हर समस्या कभी भी सॉल्व करता हूँ मैं, और जो भी मेरी भागदौड़ होती है सबके लिए आधी रात तैयार हूँ मैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे, ग्रामीण झूठ बोल रहे हैं आकाश जी? ग्रामीण झूठ बोल रहे हैं, प्रधान जी साफ तौर पर यही कह रहे हैं। बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि प्रधान जी के द्वारा ना तो आज तक पंचायत भवन में बैठा गया, ना इनके सचिव बैठते हैं, और ना ही किसी जो स्थानीय जो नागरिक हैं उनकी आज तक किसी समस्या को इन्होंने पंचायत भवन में नहीं सुना है। जब से लेकर पंचायत भवन बना है आज तक उसकी फर्श जो है खंडर में तब्दील होता जा रहा है, और जो दीवारें हैं उनमें दरारें पड़ती जा रही हैं। पंचायत भवन के आसपास मैं देख चुका हूँ कि कितना पानी वहाँ पर भरा हुआ है, जो एक तालाब में तब्दील होता जा रहा है। हालांकि प्रधान जी मैं आपको बता दूँ कि अलीगढ़ में डेंगू का प्रकोप बहुत तेज़ी से चल रहा है, और जगह जगह पर जो है फॉगिंग की जा रही है, आपके द्वारा मैं किसी तरीके की फॉगिंग की ना ही स्वास्थ्य विभाग की टीम को बुलाकर के कोई जांच की। जी आकाश आप हमारे साथ बने रहिए, आप हमारे साथ बने रहिए। प्रधान जी जो ये समस्या है इसका समाधान कैसे करेंगे आप पहले तो ये बताइए। जी मैडम थोड़ा सा ये हमारी तरफ ही एक हॉस्पिटल स्वास्थ्य केंद्र है नेहरा का, यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र है हमारा नेहरा का सामुदायिक हॉस्पिटल जी, उसके सामने एक निजी प्रॉपर्टी है जी,
और जो सरकारी नल है प्रधान जी, जो आपके गांव में सरकारी नल लगे हैं या नहीं लगे हैं, उनमें पानी आ रहा है क्या? हाँ, नलों में पानी है, क्यों नहीं है? लेकिन ग्रामीण ऐसा नहीं कह रहे प्रधान जी, ग्रामीण ऐसा नहीं कह रहे। देखो मैं बता रहा हूँ, सब दो नल मेरे खराब है जिनका रीबोरिंग बेकार हो चुका है। अभी मैंने वो मिस्त्री से खुलवाए थे तो वो बीच में से नलियां निकल के वो बोरिंग हो गया बस्ट। मैंने तुरंत ही बोरिंग वाले को कहा है, मैं बुधवार या शुक्रवार तक आप मशीन ले आओ, मुझे इतनी सख्त जरूरत है। क्या एक तो हमारी वहाँ पटवारी नैया है जहाँ पे वो बोरिंग जो बस हुआ है उसको तुरंत पहले उसको करो। फिर एक जी आकाश जी 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 अफसर प्रधान जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपको बता दें कि ग्रामीण काफी ज्यादा परेशान है और साफ तौर पर कह रहे हैं कि यहाँ पर विकास नहीं हुआ है, पानी भरा रहता है और बिल्कुल भी सफाई साफ तौर पर वहां पर नजर नहीं आ रही है। तस्वीरों में भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से रोड जो है वो खड्डे में तब्दील हो चुके हैं और सड़क पर ही एक भी पत्थर नजर नहीं आ रहा है, ये कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी मिट्टी है और उसमें खड्डे भरे हुए हैं जिससे बड़े हादसे होने का भी खतरा लगातार बना हुआ है। जी आकाश बताइए। जी बिल्कुल, जैसा कि मैं आपको बता दूंगी, प्रधान जी ने साफ तौर से ये बताया है कि उनके द्वारा जो है गांव में इंटरलॉकिंग मार्ग कराई गई है, स्ट्रीट लाइट लगवाई गई है। हालांकि वो जो है गांव में पक्षपात करते नजर आ रहे हैं, उनके द्वारा बताया गया कि कहीं पर मैंने सड़क बनाई है कहीं पर नहीं बनाई है। जहाँ पर पत्रकार महोदय जो गए उन्होंने जो वो जगह नहीं देखी जहाँ मैंने विकास कराया। हालांकि अगर विकास उन्होंने कराया है तो किस तरीके का विकास उन्होंने कराया, क्या गाँव स्थानीय लोगों के साथ वो जो है पक्षपात कर रहे हैं, एक जगह सड़क बना रहे हैं, एक जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। पंचायत भवन में आज तक कोई समस्या ही नहीं सुनी गई। उनके द्वारा बताया जा रहा है कि वो पूर्व प्रधान ने बनाया था, पूर्व प्रधान हो या वर्तमान प्रधान, बनाया गया तो प्रधानों के लिए ही है। विकास भवन कोई उनकी निजी प्रॉपर्टी नहीं है। हालांकि जो जन समस्या सुनने के लिए वो पंचायत भवन बनाए जाते हैं, आज ये प्रधान है कल कोई और आएंगे, लेकिन जो जनता की समस्याएं अगर उनका निस्तारण नहीं किया जाएगा तो प्रधान को ला करके वो करेंगे क्या? उनका साफ तौर से कहना यही है कि ना तो यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है और रात को जो है यहाँ अंधेरा रहता है, सड़कों पर लाइटें नहीं है। दूसरी बात यह है कि कोई सफाई कर्मचारी आज तक नहीं आता है, जबकि डेंगू का प्रकोप इतनी तेजी से फैलता जा रहा है कि जगह जगह पर लोग जो है डेंगू के केसेस बहुत ज्यादा। जी आकाश, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ लोधा से ब्लॉक प्रमुख हरेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं। हरेंद्र, जिस तरह से खबरें सामने आ रही है कि नेहरा गाँव में विकास कहीं भी नजर नहीं आ रहा है, वही प्रधान पर भी कई तरह के आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? प्रधान पर आरोप गलत लग रहे हैं जी, विकास कराया होगा जी जी, गांव के लोगों का तो आरोप होता है लगाना, लेकिन कहीं पे ऐसी बात नहीं, वहाँ नाली भी बनी है और उसमें गांव में सीसी भी बनी है। आप गई है नेहरा गांव में जी? हेलो, हाँ हाँ, आप अपनी बात रखिए, आपकी आवाज आ रही है, आप बताइए मेरा। हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ नेहरा गांव में भाई बिल्कुल जो गांव में रास्ता बाहर की है उसमें सीसी भी बनी है, नाली भी बनी है गांव में, कुछ काम हो भी रहा है। अब पूरा काम एक साथ सैचुरेट नहीं हो सकता, उसके लिए समय लगता है। तो गांव में काम हुआ है, ये नहीं कह सकते गांव में काम नहीं हुआ है जी। तो आपको क्या क्या विकास लग रहा है वहाँ पे, क्या क्या विकास हो गया हरेंद्र जी? गांव में सीसी बनी है, इंटरलॉकिंग भी लगी है, नाली भी बनी है वहाँ पर जी। और जो कुछ गांव में रह गया हो अंदर हिस्से में वो दिखवा दिया जाएगा, कितना काम रह गया है उसके लिए। अगर बजट नहीं आया होगा, बजट आने पर वो काम भी कराया जाएगा और प्रधान को हम बुलाएंगे, प्रधान से पूछेंगे क्या और समस्या है, उन्हें भी दूर कराने का प्रयास करेंगे। तो आप क्या कहेंगे, ग्रामीण झूठ बोल रहे हैं, विकास नहीं नजर आ रहा, तस्वीरों में हम देख रहे हैं ग्रामीण जी, विकास कहीं नजर नहीं आ रहा है, तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। मैडम जी, ग्रामीण ये चाहते हैं पूरा काम उनका एक साल में सैचुरेट हो जाए, इतना ऐसा नहीं हो। अब एक ग्रामीण तो कह नहीं रहा, एक ग्रामीण नहीं कह रहा है हरिंद्र जी, काफी लोग कह रहे हैं, आपके गाँव के ही लोग कह रहे हैं कि कोई विकास नहीं है, जो भी पैसा आता है प्रधान अपनी जेब में रख के घर में बैठ जाते हैं। प्रधान अपनी जेब में पैसा रख ही नहीं सकता है मैडम, ये कोई सिस्टम नहीं है कि प्रधान अपने उस पैसे को जेब में रखेगा। जो भी पैसा आएगा एक सरकारी सिस्टम है, वो लगता है, चाहे काया क्लब के नाम पे स्कूलों में पैसा लगा हो, चाहे मनरेगा के नाम पे कच्ची सड़कें बनी हो, चाहे पक्की सड़कें बनी हो, वो काम होने के बाद ही पैसा रिलीज होता, उससे पैसा नहीं होता। आरोप लगाना और धरातल पे मौके पर जाना बहुत अलग अलग दो विषय। अरे हरेंद्र जी, धरातल पर ही मौजूद है हमारे संवाददाता, वहाँ मौके पर मौजूद है, आप धरातल की बात ना करिए, धरातल पर जाकर ही बात कर रहे हैं। उनसे ये पूछिए, वो लोधा की तरफ से गए होंगे नेहरा गांव में, क्या वो सीसी नहीं है क्या? तस्वीरें वो भेज चुके आकाश जी, जवाब दीजिए, ये तो कह रहे हैं धरातल पर मौजूद ही नहीं है। दिखाई जाती है ना, अरे मेरी वासी मैडम रुक जाइए, हरेंद्र जी सुन लीजिए, धरातल पर हम मौजूद है या नहीं है सुन लीजिए पहले आप जी। आकाश
प्रमुख जी जिस तरीके से मैं आपको बता दूं कि जो गांव के लिए जो मेन रोड बना हुआ है जो प्रधान के आवास के लिए जाता है, सबसे पहले उस रोड से अगर आप निकलेंगे तो वहां पर गंदगी का अंबर रहता है और पानी भरा रहता है, कीचड़ रहती है, जिस पर कई बार मैं देख चुका हूं कि कई हादसे भी हो चुके हैं। जो बाइक लेकर निकलती हैं, बच्चियाँ जाती हैं, और साफ तौर से मैं आपको बता दूं कि वहाँ की जो स्थानीय नागरिक हैं उनकी जो महिलाएं हैं उन्होंने साफ तौर से ये बताया है कि गांव में स्ट्रीट लाइट बिल्कुल नहीं लगी है, और रात में अगर निकलते हैं तो किसी हादसे की आशंका हो सकती है कि कोई घटना ना हो जाए उनके साथ, तो उन्हें इस तरीके इसका भी भय लगा रहता है। हालांकि प्रधान जी ने बताया कि लगवानी चाहिए, प्रधान ने अगर नहीं लगवाई तो ये उसकी कमी है, हर गाँव में प्रधान को स्ट्रीट लाइट लगाने का एक फंड है, उसे लगा देनी चाहिए, उसमें नहीं लगवाई है पूछा जाए क्यों नहीं लगवाई उसमें। और हरेंद्र जी मैं आपको बता दूं कि जो गांव में जो प्रधान के द्वारा बताया जा रहा है कि वहां पर मैंने सड़कें बनवाई हैं, तो गांव के हित में जो कार्य किया जा रहा है प्रधान के द्वारा जितने पक्षपात जो किया जा रहा है कि कहीं सड़क बना रहे हैं, गांव के प्रधान के द्वारा जो एक स्थानीय लोगों के साथ एक तरीके से पक्षपात किया जा रहा है, उनके द्वारा बताया जा रहा है कि कहीं मैंने सड़क बनवाई है कहीं सड़क नहीं बनवाई, तो इसका क्या मतलब है कि गांव के लोगों के साथ पक्षपात कर रहे हैं वो? अब क्या कहेंगे आप हरेंद्र जी, अब क्या कहेंगे? विकास विकास कहाँ नजर आ रहा है आपको, हमें भी बता दीजिए। जिसके मोहल्ले में सड़क बन जाती है वो तो कहता नहीं है, जिसके में नहीं बनती वो कह देता है, इतनी सी बात है। बाद बाकी जो अपने गाँव का पूरा जो मामला है वो गांव का प्रधान जवाब देगा, उसे पता है उसके गांव में। तो आप ही तो कह रहे हैं हरेंद्र जी कि प्रधान ने विकास किया है, आप ही की जुबान है अभी अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा है कि विकास हुआ, आपको क्यों लग रहा है कि विकास नहीं है, लेकिन गांव में हमें विकास नजर नहीं आ रहा है। नहीं किया है प्रधान के पास, जितना धन है उतना उसने विकास किया होगा। कितना समय फिर आप बता दीजिए, आप ही बता दीजिए ना फिर कितना समय था और कितना विकास हुआ है, आप अच्छे से जानते होंगे, आप बता दीजिए। समय हुआ अभी डेढ़ साल में उसने कितना विकास किया ये उसे पता है? तो आप बता तो रहे हैं विकास हुआ है, आप ही तो कह रहे हैं विकास हुआ है, हम तो नहीं कह रहे विकास हुआ है। नाली धरातल की बात करें, हमने धरातल की भी तस्वीरें दिखा दी, हमने धरातल से संवाददाता से भी बातचीत आपको करवा दी जो वहाँ पर मौजूद है, तब भी आप कह रहे हैं विकास हुआ है, जितना समय था उतना विकास हुआ है। तस्वीरें आप हमारे पास भेजी, हम उन्हें देखते हैं जानकारी करते हैं। क्यों आपको तस्वीरें भेजने की जरूरत है? आप तस्वीरें खुद देख नहीं रहे हैं? देखवा लेंगे, हम देखवा लेंगे, प्रधान को बुला लेते हैं, देखवाते हैं क्या कमी क्या समस्या उसमें। ठीक है हरेन जी, आप बता दीजिए कि गांव में विकास आखिर कब तक होगा, आप बता दीजिए। गांव में विकास 5 वर्ष में हो जाएगा। हो जाएगा, ठीक है हो जाएगा हरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि नेहरा गांव की बात कर रहे हैं जहां पर लोगों की समस्याएं साफ तौर पर देखने को मिल रही है, और ग्रामीण भी आरोप लगा रहे हैं कि गांव के विकास के लिए जो भी पैसा आता है वो प्रधान की जेब में जाता है, रात में जब घर से निकलते हैं तो अंधेरा ही रहता है और कहीं भी लाइट नहीं लगी हुई है, किसी भी समस्या को लेकर प्रधान के पास जाते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होती है। ग्राम पंचायत सचिवालय बने हुए हैं और काफी समय हो गया है जो खंडर में अब तब्दील हो गया है, आज तक प्रधान कभी उसमें बैठने नहीं आ रहा है ना ही उनकी समस्याएं सुन रहा है। और स्थानीय निवासी देवीलाल ने भी ये जानकारी दी है कि उनके गांव के प्रधान ने गांव में ही आज तक किसी तरह का कोई काम नहीं कराया है और ना ही कहीं सड़क बनाई गई है, और गांव में जब भी किसी काम के लिए कोई पैसा आता है तो प्रधान काम कराने की जगह पैसा खा लेता है, और आज तक किसी कोई शिकायत करो, किसी से भी कोई शिकायत करो तो कोई सुनवाई नहीं होती है, और यहां सरकारी नल है और ना सड़कों पर लाइटें लगाई गई हैं, कोई भी यहां पर सफाई कर्मी नहीं आता है और सड़कों पर कीचड़ और पानी भरा ही रहता है, बिल्कुल भी सफाई नहीं है। और वहीं स्थानीय निवासी ये भी कह रहे हैं कि यहाँ नेहरा गांव है और यहाँ के प्रधान ने यहाँ कोई कार्य नहीं कराया है, और इसके साथ ही लाइटें भी नहीं लगी हैं, साफ तौर पर सभी ग्रामीणों का यही कहना है, और सफाई होती नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, कोई हैंडपंप जो है वो चालू नहीं है, पानी की भी समस्या लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। जी आकाश जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो प्रधान ने अपनी बात रखी कि उनके द्वारा जो है विकास कार्य कराया गया है, हालांकि प्रमुख जी एक बार भी मौके पर वहां पर कभी इतने दिन हो गए जनप्रतिनिधि हैं, उनको एक बार जाकर के निरीक्षण करना चाहिए और जो वहाँ स्थानीय निवासी हैं उनसे जो है वार्तालाप करनी चाहिए कि प्रधान के द्वारा गाँव में जो है समस्याएँ सुनी जा रही हैं या नहीं सुनी जा रही हैं, या कोई विकास कार्य है या कोई भी उनको दिक्कत है तो उसका समाधान उनको करना चाहिए। हालांकि सीधे तौर से प्रधान के द्वारा जो है वहाँ एक गाँव में जो है पक्षपात किया जा रहा है, कहीं सड़क बनाई जा रही है कहीं नहीं बनाई जा रही है इसके, और साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि उनके द्वारा बताया जा रहा है कि वो पिछले प्रधान ने बनाया है पंचायत भवन, तो पंचायत भवन तो एक निजी प्रॉपर्टी किसी की नहीं है, वो तो प्रधान के लिए बनाया ही जाता है, चाहे वो वर्तमान प्रधान हो या पूर्व प्रधान या आने वाले कोई भी रहे हों, उनके लिए जो ओनली सिर्फ और सिर्फ जनता की समस्याओं के निस्तारण के लिए बनाया जाता है कि अगर गांव में किसी को कोई दिक्कत या परेशानी है किसी भी चीज़ की तो वहां आए और अपनी समस्या रखे, जिसको वो जो है आगे अधिकारियों तक अवगत कराएं और समस्या का निस्तारण किया जाए।
हालांकि प्रधान ने साफ तौर से ये बताया कि जो स्थानीय नागरिक हैं वो सब जो है मेरे ऊपर गलत आरोप लगा रहे हैं, और तस्वीरें साफ तौर से ये बता रही हैं कि प्रधान के गांव के घर के घुसने के लिए ही जो रास्ता बनाया गया है उस पर इतना गंदगी का अंबार रहता है, पानी दिन पर दिन भरा ही रहता है, और वो कह रहे हैं कि वो किसी की निजी प्रॉपर्टी है। हालांकि आपको बता दूं कि जो रास्ता है, जो रोड है, वो किसी की निजी प्रॉपर्टी नहीं होती है, वो सीधे तौर पर एक आम रास्ता है, उसको जो है वो अपना जो है बचाव कर रहे हैं जो झूठे आरोप लगा करके स्थानीय नागरिकों पर। जी आकाश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अलीगढ़ के लोधा ब्लॉक के ग्राम पंचायत नेहरा की हम बात कर रहे थे, जहां पर कई साल बीत जाने के बावजूद भी आज तक कहीं भी किसी तरह का विकास नजर नहीं आ रहा है, और ग्रामीण का साफ तौर पर कहना है कि गांव के विकास के लिए जो भी पैसा आ रहा है वो प्रधान की जेब में जा रहा है। रात में जब घर से निकलते हैं तो महिलाओं को डर लगता है क्योंकि लाइटें वहां पर लगी नहीं है, और पुरुषों के साथ भी कई हादसे होने की खबर सामने आई है। और आपको ये भी बता दें कि कहीं लाइट ना लगने के कारण भी समस्याएं जो है लगातार बढ़ती जा रही है ग्रामीणों के लिए। किसी भी समस्या को लेकर प्रधान के पास जाते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होती है, और ग्राम पंचायत सचिवालय बने हुए हैं वो भी खंडर नजर आ रहे हैं, और वहीं आज तक प्रधान कभी उसमें बैठता हुआ साफ तौर पर नजर नहीं आता है और ना ही ग्रामीणों की समस्या सुनी जाती है। स्थानीय निवासी हैं देवीलाल, उन्होंने भी जानकारी दी है कि उनके गांव के प्रधान ने गांव में आज तक किसी तरह का कोई काम नहीं कराया है और ना ही कहीं सड़क बनाई गई है। गांव जब भी किसी काम के लिए कोई काम के लिए पैसा आता है तो वो ग्रामीण उस पैसे का इस्तेमाल उस काम के लिए नहीं करते हैं, और वहीं प्रधान काम कराने की जगह पैसा जो है अपने पास रख लेते हैं, और आज तक कभी कोई शिकायत करो तो फिर वो उसकी सुनवाई भी नहीं करते हैं। और ये सरकारी नल है, और ना कहे कि जो सड़कें हैं वहाँ पर भी लाइटें नहीं लगाई गई हैं, कोई भी यहाँ पर सफाई कर्मी नहीं आता है, सड़कों पर कीचड़ और पानी भरा ही रहता है, बिल्कुल भी यहाँ पर सफाई नहीं देखने मिल रही है, जिसके कारण ग्रामीणों में कई लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। और स्थानीय निवासी संजीव शर्मा है, उन्होंने भी यही कहा है, और ये नेहरा गाँव का ही मामला हम आपको बता रहे हैं, यहाँ के प्रधान ने यहाँ कोई कार्य नहीं कराया है। संजीव जी कह रहे हैं, उनका कहना है कि लाइटें यहाँ पर नहीं लगी है, ना ही यहाँ साफ सफाई है, कोई सुविधा नहीं है, कोई हैंडपंप चालू ही नहीं है, पानी की बहुत समस्या है, सड़क तो बिल्कुल भी नहीं है, कोई सेवा नहीं की जाती है, और इसके साथ ही कोई अधिकार नहीं आता है। पंचायत घर बने हुए हैं और कई साल हो गए हैं, प्रधान वहाँ नहीं बैठता है, कोई सुनवाई नहीं होती है, जबकि हम गाँव के ही कैंडिडेट हैं और हमें ही सूचना होती है कि कब वहाँ पर कोई आता है या नहीं आता है। स्थानीय निवासी इसके साथ ही परेशान है, वो साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं प्रधान के ऊपर। अब देखना यह होगा कि ये समाधान आखिर प्रधान कब करते हैं। वो तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि पैसा आता ही नहीं है, और पैसा आता है उतना नहीं आता है कि विकास किया जाए, और इसके साथ ही ये कहते हैं कि प्रधान के पास जितना समय होता है वो उतना ही विकास करते हैं, ये भी बात सामने आई है। फिलहाल अब देखना होगा कि नेहरा गाँव में आखिर विकास कब होता है। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।